लूट की घटना का हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नगर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने थाना हापुड़ नगर में हुई दो सप्ताह पूर्व लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि हमने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर 3 तारीख की शाम के समय टिम्बर व्यापारी देवेश गुलाटी के मकान में घुसकर उसके परिवार को बंधक बनाकर डरा धमकाकर 2 लाख रुपए कैश, लाइसेंसी रिवॉल्वर, लाइसेंस की किताब व 20 कारतूस लूट लिए और वहां से लूट को अंजाम देकर मेरठ पहुंचे, जहां हम लोगों ने लूटे हुए 2 लाख रुपए को 4 हिस्सों में बांट लिया, जिनके कब्जे से लूट से संबंधित 85,000 रुपए नकदी, लाइसेंसी रिवॉल्वर व घटना में प्रयोग अवैध पिस्टल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी सातर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद व बागपत जैसे शहरों में डकैती, लूट व हत्या का प्रयास के करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं न्यूजीलैंड से भी हापुड़ पुलिस को वीडियो कॉलिंग के जरिए दी गई थी बधाई। देखिए, थाना कोतवाली के अंतर्गत लगभग 2 सप्ताह पहले दिनांक 3 मार्च को एक हमारे व्यापारी बंधु हैं गुलाटी जी, उनके यहाँ घर में घुस करके 4 बदमाशों ने उनसे लूटपाट करी थी। लूटपाट के उपरांत उनके घर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, कुछ कैश और कुछ सामान उनके घर से लूट के ले गए थे। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये घटना शाम के वक्त 4-5 बजे के आसपास, 5 बजे के बाद हुई थी और उस समय बाजार वगैरह खुले हुए थे। और इस चैलेंज को हमारी थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने, स्वाट टीम ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओसीटी साहब की पूरी टीम ने एक्सेप्ट करके इस पूरे घटनाक्रम को, एक एक पहलू को अच्छे से छानबीन करी, पूरे घटना को वर्कआउट किया। वर्कआउट के उपरांत अभी हमारे इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, एक का नाम जावेद उर्फ काबरा करके है, एक अरशद है। ये दोनों ही मेरठ के निवासी हैं। जावेद जो हैं, लगभग 26 के ऊपर इनके ऊपर अभियोग दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, और इन्होंने कई घटनाएं डकैती लूट की ऐसी अंजाम दी हैं। इनके साथ में आने एक साथी अरशद भी गिरफ्तार हैं, इन्होंने भी कई जगह लूटपाट की घटनाएं करी हैं। पूछताछ में इन्होंने कई अन्य दो अन्य साथी उनके बारे में भी नाम बताए हैं, जो जिनके बारे में हमारी टीम अभी उनके पीछे लगी हुई है। इन्होंने पूछताछ में भी बताया है कि ये पूरी घटना करने के लिए इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से प्लानिंग करी थी, इनके घर की रेकी करी थी, घर में कितने बजे कौन सा कारीगर कब बाहर जाता है, घर के आसपास क्या कैमरे लगे हैं, इन्होंने पूरी चीज जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस घर में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि इसमें मेरठ के अन्य अपराधियों का भी सहयोग लिया गया। उन अपराधियों से इन्होंने मोटरसाइकिल, पिस्टल के जो राउंड्स हैं वो सभी इन्होंने जुटाए हैं, और घटना करने के उपरांत इन्होंने जा करके अलग अलग जगह दिशा में जा करके सभी चीज़ों को डंप किया। हमारी पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक जो भी गुलाटी जी के घर से सामान गया था उसको रिकवर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक लाइसेंसी असला गया था, उसको भी पुलिस टीम ने रिकवर किया है। इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट किया। जो अन्य साथी और जो मेरठ के अन्य अपराधियों के इसमें नाम आ रहा है, डेफिनेटली हम लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे और उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचा। देखिए, अभी ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, पर जो अन्य अभी साथी जो फरार है, जब तक वह गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनसे विस्तृत पूछताछ नहीं हो जाती, हम लोग और डिटेल में जाएंगे। सभी जो लोग हैं, जब तक सब लोग गिरफ्तार नहीं होते, इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी।